हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और फिर घंटे को प्रेस कर दें। वैसे तो हम आए दिन कई नए लोगों से मिलते रहते हैं और उनसे बातें भी होती हैं, लेकिन मन में संकोच होता है कि इस इंसान से दोस्ती करना सही होगा या नहीं, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर किसी नए व्यक्ति का चरित्र या स्वभाव मालूम हो जाए तो उसके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करने में काफ़ी आसानी रहती है। अतः जब भी किसी व्यक्ति से पहली बार हमारा संपर्क हो तो हमें उस समय उस व्यक्ति के कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में आचार्य चाणक्य ने ऐसी चार बातें बताई हैं जिससे इंसान का स्वभाव काफ़ी हद तक मालूम हो जाता है। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस प्रकार सोने को रगड़ने, काटने, तपाने और पीटने से उसकी परख होती है, ठीक इसी प्रकार इंसान की परख के लिए उसके त्याग, बात करने का तरीका, गुण और कर्म को देखना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार सोने की शुद्धता की जांच चार प्रकार की प्रक्रिया से होती है, सोने को घिसकर, काटकर, आग में तपाकर और सोने को कूटकर उसकी शुद्धता की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद स्वर्ण शुद्ध है या नहीं हमें पता चल जाता है। उसी प्रकार इंसान की परख भी इन चार बातों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति से मिलते समय ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति सज्जन है या नहीं, क्योंकि सज्जन व्यक्ति हमेशा ही मान सम्मान देने वाले और संस्कारवान होते हैं। चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, वह हर प्रकार के व्यक्ति को सम्मान देता है। इसके अलावा व्यक्ति के गुण कैसे हैं यह भी देखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के आचार विचार और व्यवहार भी काफ़ी कुछ बता देते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण है व्यक्ति की त्याग भावना। यदि व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए स्वयं के सुख का त्याग करने वाला है तो निस्संदेह ऐसा इंसान अच्छे चरित्र वाला होता है।